हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेगुलर जॉब में। तो कैसा आप सबको पता होगा गाइस कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जो है आपका 22 मई को आपका आरआरबी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है। तो उसका आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको 3 से 4 दिन पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जो एग्जाम सिटी है वो अभी आ चुकी है। तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ लॉग इन करके आप जो है अपनी एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे गाइस, आज आपको पता होगा कि आपको जून में जो है SSC CGL का भी आपका एग्जाम आने वाला है, और उसके साथ ही जो आपका ये 13 मई को जो है आपका FCI का एग्जाम आने वाला है। इन तीनों जो है गाइस, इन तीनों के रिलेटेड जो है हम आज जो है बायोलॉजी के क्लासेस हमने चालू की है। तो यहाँ पे जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे बताए जाएंगे जो हर बार पूछे जाते हैं इन एग्जामों में। तो आपको सिर्फ इतना ही कर लेना है, क्योंकि इन एग्जाम का सिलेबस इस प्रकार से होता है कि ये जो है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा रिपीट करते रहते हैं। तो आपको जो है इन क्वेश्चन में से इतना बेनिफिट हो जाएगा कि आपका जो है एक भी मार्क्स यहाँ से छूटेगा नहीं। तो अगर अभी तक आपने हमारे पार्ट 7 को नहीं देखा है, 1 से लेकर 7 तक, तो ऊपर दिए गए आई बटन में से आप चेक कर सकते हैं हमारे 7-7 पार्ट को। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल में, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट नए वीडियो है आप तक हम प्रोवाइड कर सके। तो आज जो हम गाइस बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनिमल किंगडम, तो उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे गाइस, एनिमल किंगडम जो है एक वास्ट सब्जेक्ट होने के कारण, एक वास्ट टॉपिक है, इसके कारण हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एनिमल किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आज जो है हम पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने गाइस फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मलेरिया पैरासाइट एंड अमीबा ग्रुप्ड अंडर, तो मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं और अमीबा जो होते हैं वो किस कौन से ग्रुप के अंडर आते हैं, तो वो आपके ग्रुप में आते हैं प्रोटोजोआ के ग्रुप में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ए डिफाइनेट शेप। नीचे में से आपको 4 ऑप्शन दिए है, पूछे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास डिफाइनेट शेप नहीं होता, मतलब उसका प्रॉपर शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अमीबा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका स्लीपर सेप। तो स्लीपर सेप जो होता है, नीचे आपको 4 ऑप्शन में से बताने के, इन 4ों में से स्लीपर सेप एनिमल कौन सा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाइस पैरामिसियम। तो पैरामिसियम जो है आपका स्लीपर सेप एनिमल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका BPSC 2015 में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर क्या है गाइस, तो वर्मी कल्चर जो है आपका द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म, तो उसको कहा जाता है वर्मी कल्चर। किसे कहा जाता है, द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स को वर्मी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्रोटोजोआ। नीचे में से किसको जो है ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा युगलिना। युगलिना जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रीन प्रोटोजोआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या है गाइस, कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। तो एनिमल और प्लांट के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है इन 4ों में से कौन सी है, तो एनिमल एंड प्लांट के बीच कनेक्टिंग लिंक जो है वो आपका हो जाता है युगलिना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SSC MTS में पूछा जा चुका है कि द गैस एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके लिए किस गैस की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसके लिए जो गैस रिक्वायरमेंट है वो है आपकी नाइट्रोजन, यानी कि N2 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायसेंट्री इज, तो कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जो डायसेंट्री प्रोसेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे गाइज आपका आंसर हो जाएगा एंटोमोइबा। तो एंटामोइबा जो होता है आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डायसेंट्री के लिए। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन ये रहा गाइस। 9th क्वेश्चन देखिए क्या है कि गोल्डन व्यू ऑफ सी सेल इज ड्यू टू, तो आपने सी सेल देखा होगा उसके ऊपर जो एक आपको गोल्डन कलर, गोल्डन आपको उसका व्यू दिखता है, तो वो किसकी वजह से होता है, उसका मेन रीजन क्या है, तो उसका मेन रीजन होता है एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन प्रोसेस के कारण हमें सी सेल के ऊपर का भाग जो होता है, पार्ट होता है, वो हमें गोल्डन कलर का दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका UPSC में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोटोजोआ विच प्रोड्यूस काला अजहर, तो नीचे इसमें से कौन सा आपका प्रोटोजोआ है जो काला अजहर प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, लेशमेनिया। तो लेशमेनिया जो है एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो काला अजहर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइज यहाँ पे देखिए कि स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किसके कारण होते हैं, तो स्लीपिंग सिकनेस इसमें से आपको 4 आपको दिए है, आपको बताना कि इसमें से किसके कारण स्लीपिंग सिकनेस होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर B, यानी कि ट्रेपेनसोमा। ट्रेपेनसोमा जो होता है उसके कारण आपको स्लीपिंग सिकनेस देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनिसेल्यूलर नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टिन,
तो यूनिसेल्यूलर इनमें से कौन सा एक यूनिसेल्यूलर नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट है जो अपने ह्यूमन के इंटेस्टिन में फाउंड किया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इकोली। इकोली जो होता है वो आपका यूनिसेल्यूलर नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट है जो ह्यूमन के इंटेस्टिन में फाउंड होता है। उसके बाद गाइस ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपको हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको इसे अच्छी तरह से देख लेना है। अगर आपको एक बार में ये चीज़ याद नहीं रहते तो आपको उसे बार बार देख के याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है जो स्कोरिंग मार्क्स है, मतलब आप यहाँ से इजिली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको कौन सा बताना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कि इंडिया में आपका इनिडा में आपका नेचुरली फाउंड होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका स्टार टॉर्टोइस फाइंड किया जाता है, उसके बाद आपका मॉनिटर लिजार्ड फाउंड किया जाता है, पाइगमी हॉग फाइंड किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे ट्रू हो जाता है, आईएएस में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्क्यूटो वाज डिस्कवर्ड बाय। तो मॉस्क्यूटो के अंदर जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो लाइफ साइकिल होता है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो वो डिस्कवर किया गया था रोनाल्ड रोस के द्वारा। ये याद रखिए कि मॉस्क्यूटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल होती है वो रोनाल्ड रोस द्वारा डिस्कवर की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ गिफ्ट इन जापान। जापान में गिफ्ट के तौर पे क्या दिया जाता है? तो जापान में गिफ्ट के तौर पर जो चीज दी जाती है उसे हम कहते हैं यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो है एक ऐसा जीव होता है जिसे हम जापान में गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा है देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू मोलुस्का। तो यहाँ से कौन सा ऐसा जीव है, एनिमल है, जो मोलुस्का में ग्रुप में बिलोंग करता है? तो ये आपका SCGL में पूछा जा चुका है और SSC UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि हाइड्रा। तो हाइड्रा जो एक ऐसा एनिमल है गाइस जो मोलुस्का ग्रुप में बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्मॉल पोर फाउंड इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज। जो स्पॉन्जेस जो होते हैं उसकी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र आपको देखने को मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ऑस्टिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार्ज ओपनिंग फाउंड एट द टॉप ऑफ साइकोन। तो साइकोन जो होता है उसके ऊपर के भाग में आपको जो एक लार्ज ओपनिंग देखने को मिलता है उसे क्या कहा जाता है? टॉप साइकोन के टॉप पर आपको एक लार्ज ओपनिंग देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। याद रखिए कि ऑस्क्यूलम किसे कहा जाता है, कि साइकोन के टॉप पर एक लार्ज ओपनिंग देखने को मिलता है उसे कहा जाता है ऑस्क्यूलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइलम कोएलेंट्रेटा इज ऑल्सो नोन एज द, इसे क्या कहा जाता है, दूसरे नाम से जाना जाता है कि क्निडारिया। क्निडारिया जो है इस नाम से भी फाइलम कोएलेंट्रिया को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो ब्लड बट दे रेस्पायर। तो इनमें से कौन सा एक एनिमल है जिसके पास ब्लड नहीं होता उसके दौरान उसके बावजूद जो है वो रेस्पिरेशन कर सकता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा है जिसके पास ब्लड नहीं होता फिर भी रेस्पिरेशन वो कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोरल्स रीफ आर फॉर्म्ड बाय फाइलम। नीचे में से कौन सा ऐसा फाइलम है जो आपको कोरल रीफ्स फॉर्म करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोएलेंटेरेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। इनमें से चार में से किसके पास जो है कोरल रीफ है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसमें हमें कोरल रीफ देखने को मिलता है। उसके बाद अलावा गल्फ ऑफ कच्छ में भी हमें देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार में भी हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ये आपका UPSC में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 23rd क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। तो आपने मेडिटेरियन सी जो होता है उसका लाइट हाउस किसे कहा जाता है? तो मेडिटेरियन जो होता है उसका लाइट हाउस कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ऑफ सिसिली। स्ट्रोम्बोली ऑफ सिसिली जो होता है उसे कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। ये आपका SSC CGL में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनिमल नोन एज जेलीफिश। हम सबको पता है कि जेलीफिश एक जो है एक फिश टाइप की होती है जो बहुत ही लचीली होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? जेलीफिश जो होती है उसे कहा जाता है यहाँ पे कि ऑरेलिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सी एनेमोर इज ऑल्सो नॉन एज। आपका जो सी एनेमोर होता है उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सी एनेमोर जो होता है गाइस उसे दूसरे नाम से जाना जाता है मेट्रीडियम। तो मेट्रीडियम नाम से भी सी एनेमोर को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के एनिमल विच इज ऑल्सो नॉन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम पे किस एनिमल को जाना जाता है? तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम पे जाना जाता है आपके फिसालिया। तो फिसालिया जो है आपको जाना जाता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज द वर्ड एम्फीबियन, तो एम्फीबियन आपने वर्ड कई बार सुना होगा, तो एम्फीबियन वर्ड का एक्चुअल मीन्स का क्या होता है, तो एम्फीबियन वर्ड का मीन्स होता है टू लाइव्स। ये आपका एसएससी सीपीओ में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्लैट वर्म इज केप्ट अंडर फाइलम, तो इसमें से फ्लैट वर्म जो है किस फाइलम के अंडर में रखे जाते हैं, तो फ्लैट वर्म जो होते हैं आपके गाइस रखे जाते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लेटी हेलमिथिस के नाम के अंडर रखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टैप वर्म कम अंडर फाइलम, टैप वर्म जो होते हैं देखिए फ्लैट वर्म तो आपका प्लेटी हेल्थमिंस के अंडर आ जाता है, बट टैप वर्म जो है किसके अंडर हमें आता है, तो टैप वर्म जो होता है आपका गाइस टैप वर्म अंडर आता है, ये भी आपके प्लेटी हेल्थमिंस के अंडर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर मैनकाइंड, नीचे में से आपको चार दिया, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है अपने ह्यूमन के यूज में नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टैप फॉर्म, तो टैप फॉर्म जो है अपने ह्यूमन के मैनकाइंड के काम में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म्स रीच इनटू द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बाय ईटिंग लीफ, जब आप कोई पत्ते खाते हो तो उसके कारण जो है आपके इंटेस्टाइन यानी आपके पेट के अंदर जो है आपके सिस्टम के अंदर कौन सा वर्म जो है अंदर चला जाता है, तो उसके अंदर आपका कौन सा वर्म जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टैप वर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के राउंड वर्म कम्स अंडर फाइलम, तो राउंड वर्म जो है कौन से फाइलम के अंडर में आता है, तो आपका राउंड वर्म जो होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेमालीहेमथिस के अंडर में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के डिजीज कॉज बाय एस्केरिस इन ह्यूमन, तो ह्यूमन जो बॉडी है उसके अंदर एस्केरिस के कारण जो है हमें कौन सा डिजीज होता है, तो ह्यूमन के अंदर एस्केरिस के कारण जो है हमें डिजीज होता है उसका नाम जो है एस्केरिसिस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन आपका, 34th क्वेश्चन क्या है देखिए, 34th क्वेश्चन में पूछा क्या है, द डिसीज फिलारिया इज कॉज्ड बाय, फिलारिया करके एक डिसीज होता है जो किसके कारण होता है, तो फिलारिया करके जो डिसीज होता है वो आपका होता है किसके कारण, वो आपका होता है ऑप्शन नंबर ई यानी वोचेरिया बेनेक्राफ्टी के कारण जो है आपका डिसीज होता है फिलारिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एस्कारिस इज फाउंड इन, एस्कारिस जो है किसके अंदर फाउंड किया जाता है, तो एस्कारिस जो होता है अभी हमने देख लिया कि एस्कारिस जो होता है क्या है, एस्कारिस जो ह्यूमन में एस्कारिस डिसीज प्रोड्यूस करता है और वो जो है ह्यूमन के इंटेस्टिन के अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36th क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन देखिए क्या है कि फेरेटिम पोस्थुमा इज साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फेरेटिमा पोस्थुमा किसका साइंटिफिक नेम है, तो फेरेस्टिमा पोस्थुमा जो है आपका साइंटिफिक नेम है किसका, यह है अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द पिगमेंट फाउंड इन द ब्लड ऑफ अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म जो होते हैं उनके ब्लड में जो एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, अर्थवॉर्म के ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहा जाता है हीमोसाइनाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38th क्वेश्चन कि अर्थवॉर्म जो है तो उसको फार्मर के फ्रेंड्स क्यों कहा जाता है, तो आप जानते होंगे अर्थवॉर्म जो है उसको फार्मर का फ्रेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो है सोइल को पोरस बनाता है यानी सोइल को छिद्रालु बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी मैट में पूछा जा चुका है कि नंबर ऑफ आईज फाउंड इन द अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म जो होते हैं उसके पास कितनी आंखें होती है यानी कितनी आईज होती है, तो उसके पास कोई भी आंखें नहीं होती, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नो आईज आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाउ मैनी पेयर ऑफ लेग इज फाउंड इन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट जो होते हैं उनके पास कितने पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इंसेक्ट के पास कितने पेयर ऑफ लेग होते हैं, तो इंसेक्ट के पास जो है 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41st क्वेश्चन कि अमंग द फॉलोइंग एनिमल चूज द वन हैविंग 3 पेयर ऑफ लेग, नीचे में से कौन सा ऐसा है जिसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बग जो होते हैं उसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ये आपका CDS एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिल्क जो होता है हमें किसमें से मिलता है, तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पूपा ऑफ सिल्क वॉर्म, तो वो हमें जो है पूपा ऑफ सिल्क वॉर्म में से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, तो जो हाउस फ्लाई होता है उसकी लार्वा जो होती है जब वो स्टार्टिंग फेज में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका मैगोट, मैगोट जो है किसे कहा जाता है कि हाउस फ्लाई जब लार्वा फॉर्म में होती है उसे कहा जाता है, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि पॉइजन इन स्कॉर्पियन, तो स्कॉर्पियन जो होते हैं जो बिच्छू होते हैं उनमें जो पॉइजन होता है वो उनके कौन से शरीर के पार्ट में पाया जाता है, तो वो उनके पाया जाता है टेल्सन में यानी कि उनके जो एक
पूछ होती है उसके ऊपर जो है बिच्छुओं का पॉइजन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45th क्वेश्चन कि द डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, यह देखिए ये अभी आगे आ चुका था कि स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो आपका फैलता है सेब से फ्लाई की वजह से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय, ये भी क्वेश्चन अभी आगे आ चुका है एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है कि काला अजहर ट्रांसमिटेड किसके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, तो ये जो है आपके सैंड फ्लाई के कारण ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास इंसेक्ट, तो जो इंसेक्ट क्लास है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, तो इंसेक्ट को सबसे अलग इसलिए कहा जाता है कि उनके पास 3 पैर लेग होते हैं। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल, आपको 3 यहाँ पे एनिमल प्रोवाइड कर दिया, आपको बताना है कि कौन सा जो है एक मैमल है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे मैमल है। तो देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैमल सी काउ जो है वो भी एक मैमल है, सी हॉर्स आपका मैमल हो जाता है और सी लायन भी आपका मैमल हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका ट्रू हो जाएगा, आईएएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 49th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49th क्वेश्चन है आपका कटल फिश इज नोन एज, तो कटल फिश जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो कटल फिश जो होता है उसे कहा जाता है सीपिया, याद रखिए सीपिया जो हम कहते हैं उसे कहा जाता है कटल फिश भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑक्टोपस कम्स अंडर फाइलम, तो ऑक्टोपस जो है उस कौन से फाइलम के अंडर में आता है, तो ऑक्टोपस जो होता है वो आपके आता है मॉल्यूस्क के अंडर में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आईएएस प्रीलिम्स में भी पूछा है था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 51st क्वेश्चन की तरफ। 51st क्वेश्चन क्या है देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डेविल फिश, नीचे में से कौन सी ऐसी फिश है जिसे हम डेविल फिश भी कहते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाइज कि ऑक्टोपस जो होते हैं उसे हम डेविल फिश भी कहते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ आर्म्स फाउंड इन ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस के पास कितनी आर्म्स होती है, तो ऑक्टोपस जो होता है उसके पास 8 आर्म्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53rd क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन क्या है देखिए कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडिया एंड मॉल्यूस्का, तो एनिलिडिया एंड मॉल्यूस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो उन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो आपका है न्यूपेलिना, न्योपेलिना जो है उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54th क्वेश्चन के स्टारफिश ग्रुप्ड अंडर फाइलम, तो स्टारफिश जो है कौन से फाइलम के अंडर में आती है, तो स्टारफिश जो होती है आपकी वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एकिनोडेरमेटा के अंडर में आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 55th क्वेश्चन के स्टारफिश जो होता है, 54th क्वेश्चन आपको देख चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 55th क्वेश्चन के एरिस्टोटल लेंटन इज फाउंड इन, एरिस्टोटल जो लेंटन होते हैं वो किसके अंदर फाउंड होती है, तो एरिस्टोटल लेंटन जो है वो सी अर्किन के अंदर फाउंड की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56th क्वेश्चन है। 56th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ 56th क्वेश्चन है आपका कि हनी दैट हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शुगर, तो हनी जिसके अंदर जो है शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है डज नॉट डिके, तो यहाँ पे उनमें जो है हनी, कोई भी हनी जिसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर की मात्रा होती है वो जो डिके नहीं होती है उसका रीज़न क्या होता है, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव्ड इन एन एक्टिव स्टेट एज इट इज़ टोटली डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, तो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे जो है वो इनएक्टिव स्टेट में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये आपका SSCGL में पूछा चुका है, ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 57th क्वेश्चन कि सीडलेस फ्रूट आर ऑफ नो यूज इन, तो आपका जो सीडलेस फ्रूट जो होता है उसका उपयोग हम कहाँ नहीं कर सकते, सीडलेस फ्रूट आर ऑफ नो यूज इन, सीडलेस फ्रूट का उपयोग कहाँ यूज नहीं कर सकते, तो वो जो है बनाना में उसका उपयोग नहीं होता है, ये आपका EPFO में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के फाइबर ऑफ कॉटन आर ऑप्टेन फ्रॉम, तो आपका कॉटन का जो फाइबर होता है वो किसमें से ऑप्टेन किया जाता है, तो फाइबर जो होता है कॉटन का फाइबर जो होता है वो ऑप्टेन किया जाता है आपका किसमें से, फ्रूट वॉल में से ऑप्टेन किया जाता है, ये आपका EPFO 2017 में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते कि एट विच स्टेज इन लाइफ साइकिल डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कमर्शियल यूज, नीचे में से कौन सा ऐसा समय काल होता है जिसके द्वारा सिल्क वॉर्म जो होते हैं हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं, तो फाइबर प्रोवाइड करने का जो उनका समय काल होता है सिल्क वॉर्म का वो कब होता है, जब वो जो है प्यूपा की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, SSCGL में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, यहाँ पे आपको 4 फिश दिए, आपको बताना कि जो रियल फिश है वो इनमें से कौन सी फिश है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि सी हॉर्स जो है वो एक रियल फिश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ट्रू फिश, आपको बताना है यहाँ में से 4 में से कौन सा जो है एक ट्रू फिश नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि आपका देखिए कटल फिश जो है एक ट्रू फिश है,
सिल्वर फिश आपकी ट्रू फिश हो जाती है, जेली फिश आपकी ट्रू फिश हो जाती है, तो यहाँ पे रह जाता है ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62nd क्वेश्चन कि सी हॉर्स इज एग्जांपल ऑफ फाइलम, तो सी हॉर्स जो होते हैं वो कौन से फाइलम के अंडर में आते हैं, तो सी हॉर्स जो होते हैं आपके आते हैं फिशेस के अंडर में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, यहाँ से आपको बताना है कि नीचे में से कौन सी जो है एक ट्रू फिश है, तो यहाँ पे UPSC में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे जो ट्रू फिश है वो है आपकी कौन सी, वो है फ्लाइंग फिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेमेलियन हार्ट इज माइजियोनिक एंड इट इज रेगुलेटेड बाय नर्व्स, द मेमेलियन का जो मेमल्स का जो हार्ट होता है वो एक मायोजेनिक होता है और वो जो है नर्व्स के द्वारा जो है वो रेगुलेट किया जाता है। उसमें पूछा है द हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, उनकी जो हार्ट बीट होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये आपका CDS में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उनकी जो हार्ट बीट होती है वो होती है सिनोट्रियल नोड से ओरिजिनेट की जाती है, आपका CDS में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65th क्वेश्चन, तो वो क्या पूछ रहे, देखिए डॉल्फिन फिश होती है जो एक एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, डॉल्फिन जो है नीचे में से कौन से ग्रुप में कंसीडर की जाती है, तो डॉल्फिन जो होती है सब जानते हैं ये डॉल्फिन जो होती है वो मैमल के अंदर कंसीडर की जाती है, ये आपका BPSC में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के हीमोसाइनाइन, तो हीमोसाइनाइन जो है हीमोसाइनाइन इज एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटाप्लोटिन मेटालोप्रोटीन इन सम इनवर्टेबल एनिमल, द प्रोटीन कंटेन द हीमोसाइनिन जो है नीचे में से क्या कंटेन करता है, तो हीमोसाइमिन जो होता है आपका क्या कंटेन करता है, हीमोसाइमिन आपका एक कॉपर का एटम कंटेन करता है, ये आपका UPSC में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ मैनी पेयर ऑफ हार्ट और अर्थ वॉर्म है, तो अर्थ वॉर्म जो होते हैं उनमें कितने पेयर ऑफ हार्ट होते हैं, तो अर्थ वॉर्म जो आपका होता है उसमें जो है 4 पेयर ऑफ हार्ट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमॉन्ग द फॉलोइंग एन अनमैच्ड ग्रुप इज, आपको बताना कि नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपका अनमैच हो रहा है, मतलब मैच नहीं हो रहा। देखिए पहला है आपका सी पेन कोरल एंड स्विमिंग बेल, ये आपका सब है जो है एक ही ग्रुप के है। उसके बाद कैटल फिश, स्टार फिश, डेविल फिश एंड स्क्वेड, ये सब भी आपका एक ग्रुप में हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी स्टार, सी अर्चिन, सी एनिमोर एंड सी काउ, देखिए गाइज ये यहाँ पे अलग पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ कॉजेटिव एजेंट एंड डिजीज, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे एक डिजीज और जो है उनके एजेंट कॉजेटिव जो जिसके कारण वो रोग फैलता है उसका जो आपका पैर दिया, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा विचेरिया एंड फिलारिसिस जो है आपका ट्रू आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एनोफिलिस एंड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विथ द हेल्प ऑफ द एनोफिलिस और क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो है नीचे में से किसके द्वारा जो है हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फीडिंग हैबिट के अनुसार जो है हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है और कौन सा जो है एनोफिलिस है, किसके तौर पर फीडिंग हैबिट्स के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71st क्वेश्चन क्या है, देखिए कि मेटामेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम, आपको बताना है कि मेटामेरिज्म जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इन 4 फाइलम में से किसका वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ट्यूब फिट जो है इनमें से किसमें फाउंड किया जाता है, तो ट्यूब फिट जो होता है वो फाउंड किया जाता है स्टार फिश के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किसके अंदर फाउंड किया जाता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है स्नेल के अंदर फाउंड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो स्नेल के अंदर फाउंड होता है क्योंकि स्नेल जो होता है वो इस तरह से कुछ पैक होता है, और ओपन सर्कुलेटरी फाउंड किसमें होता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो आपका कॉकरोच के अंदर फाउंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 75th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिप्लोब्लास्टिक फाइलम, नीचे में से कौन सा है डिप्लोब्लास्टिक फाइलम नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के नर्वस सिस्टम ओरिजिनेटेड फर्स्ट इन, नर्वस सिस्टम है सबसे पहले किसमें ओरिजिनेट हुआ था, सबसे पहले नर्वस सिस्टम किसमें प्रोड्यूस हुआ था, नर्वस सिस्टम सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरुडिनारिया में सबसे पहले नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77th क्वेश्चन की तरफ, 77th क्वेश्चन देखिए क्या है कि एनिलिडा आर एडवांस ओवर नेमेटोडा, तो एनिलिडा आर एडवांस ओवर नेमेटोडा, तो जो है एनिलिडा जो है वो नेमेटोडा से एडवांस है किस तरीके से, तो वो जो है एडवांस है क्योंकि उसके पास जो है मेटामेरमिक सेगमेंटेशन भी ज़्यादा है,
क्लोज सर्कुलेशन उसके पास है, उसके पास ट्रू कॉइलम भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेफिरिडिया ऑफ अर्थ वर्म आर एनालॉजियस टू, तो आप यहाँ पे देखें कि अर्थ वर्म के अंदर जो नेफिरिडिया होता है वो और किस प्राणी के जो है उसके जैसा सेम होता है, तो वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लेम सेल्फ ऑफ ड्यूगेशिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79th क्वेश्चन। 79th क्वेश्चन देखिए, आप एस सी आर ए में पूछा जा चुका है कि कॉकरोच हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटो आर इंसेक्ट, तो कॉकरोच हाउस फ्लाई और मॉस्क्यूटो जो होते हैं उसे हम इंसेक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है ऐसा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सेगमेंटेड बॉडी होती है उनके पास, उनके पास 6 लेग्स होते हैं, उनके बॉडी जो होता है वो हेड थ्रॉक्स एंड एबेडोम में डिवाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके देखिए अमोंग द ब्रीड ऑफ काउ, तो काउ की जो प्रजाति ब्रीड्स होती है मेंशन बिलो विच वन ऑफ द इज नॉट इंडिजीनियस, आपको बताना नीचे में से कौन सी जो है इंडिजीनियस ब्रीड नहीं है, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, देखिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होल्स्टीन फ्रिशियन जो है वो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड नहीं है काउ की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के कोलिन ट्रिट्स आर कैरेक्टराइज बाय, आपको बताना है कि कोलिन ट्रिट टीरेट्स जो होती है, कोलिन टीरेट्स जो होती है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज की जाती है, वो कैरेक्टराइज की जाती है आपके इन चारों ऑप्शन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है किसके अंदर फाउंड होता है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका फाउंड होता है किसके अंदर, वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, यानी कि एक्टिनोडर्मेटा के अंदर जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाउंड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमेकोल इज फाउंड इन, तो हिमेकोल जो है किसके अंदर फाउंड किया जाता है, हिमेकोल जो होता है आपका फाउंड किया जाता है एंथ्रोपोडा के अंदर जो है हिमेकोल फाउंड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84th क्वेश्चन कि इंसेक्ट हैव, तो इंसेक्ट जो होती है, इंसेक्ट हैव क्या होता है इंसेक्ट के पास, तो इंसेक्ट जो होता है उनके पास होता है आपका 3 pair of legs, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू जो है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो आपका डेंगू जो होता है गाइस यहाँ पे ट्रांसमिट होता है आपका किसके द्वारा, डेंगू जो आपका ट्रांसमिट होता है एडस के कारण जो है डेंगू ट्रांसमिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड एंथ्रोपोडा, तो एनेलिडा एंड एंथ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो उन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो आपका है पेरिपेटस, पेरिपेटस जो है उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर कॉमन टू बोथ अर्थवर्म एंड कॉकरोच, तो कॉकरोच और अर्थवर्म के बीच में कॉमन चीज क्या है गाइस, तो उन दोनों के बीच में कॉमन चीज ये है कि उनका जो वेंट्रल नर्व कोड होता है वो सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88th क्वेश्चन कि जॉइंटेड एपेंग, यहाँ पे आपका 88th क्वेश्चन है कि जॉइंट एपेंडेजेस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम, तो जॉइंट एपेंडेजेस जो होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा किसका, एंथ्रोपोडा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के यंग ऑफ अ कॉकरोच, तो कॉकरोच जो जब यंग एज में होते हैं, यंग अवस्था में होते हैं, तो उसे हम क्या कहा जाता है, तो कॉकरोच के जो यंग एज होते हैं उसे कहा जाता है निम्फ कहा जाता है। उसके बाद ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के व्हाट इज फार्मिंग अलोंग विथ एनिमल हस्बेंड्री कॉल, तो फार्मिंग के साथ एनिमल जो हस्बेंड्री होता है उन दोनों प्रोसेस को जब साथ में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मिक्स फार्मिंग कहा जाता है, ये आपका बीएसएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिशेस डाई आउट ऑफ वाटर, तो जो है जब भी हम कोई भी फिश को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो मर क्यों जाती है, इसका कारण क्या होता है, तो ये उसका कारण होता है कि वो जो है रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है, ऐसा नहीं है कि उसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है या फिर टेम्परेचर बॉडी ज़्यादा बढ़ जाती, नहीं, वो जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस को नहीं कर पाती है, ये आपका बीपीएससी 39 बीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के एक्सक्रेशन इन हेमिक्रोडेटस टेक्स प्लेस बाय, तो एक्सक्रेशन इन हेमिक्रोडेटस जो है किसके द्वारा होती है, तो ये आपका होता है किसके द्वारा, वो आपका होता है ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, ये आपका एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 93rd क्वेश्चन है आपका, 93rd क्वेश्चन क्या है देखिए गाइस, 93rd क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस आर द एनिमल, एम्फीबियंस जो है एक ऐसी एनिमल है जो क्या कर सकते हैं, तो एम्फीबियंस एक एनिमल है जो जो है वाटर और एज वेल एज लैंड के अंदर दोनों के अंदर वो है जी सकते हैं, 38 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा चुका है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओनली द मेल डॉग प्रोड्यूस, सॉरी ओनली मेल फ्रॉग प्रोड्यूस क्रॉकिंग साउंड. तो जो खाली मेल फ्रॉग जो होते हैं, मेंढक जो मेल होते हैं, वो ही सिर्फ क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये होता है कि फीमेल फ्रॉग जो होते हैं उनके पास जो है लायर्नी नहीं होता है. मतलब उनके पास जो फ्रॉग क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करने का जो एक पार्ट होता है वो उनके पास प्रेजेंट नहीं होता. यह बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लार्वा ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड. तो जो फ्रॉग होते हैं उनका जब वो बेबी अवस्था में होते हैं, स्टार्टिंग की अवस्था में, तब वो लार्वा फॉर्म में होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टेडपोल कहा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाउ मैनी चैम्बर इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग. तो जो मेंढक होता है, फ्रॉग होता है, उसके हार्ट में कितने चैम्बर फाउंड होते हैं? तो उसके हार्ट में 3 चैम्बर फाउंड होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. नीचे में से आपको बता रहे हैं कि कौन सा जो है कोल्ड ब्लड एनिमल है. तो यहाँ पे देखिए, फिश आपका कोल्ड ब्लड एनिमल है, फ्रॉग आपका है कोल्ड ब्लड, वॉल्ड लिजर्ड जो होती है, वॉल्ड लिजर्ड वो भी आपके कोल्ड ब्लड है. तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन. द 98 क्वेश्चन है द बोन्स ऑफ बर्ड. तो बर्ड्स जो होती है उनकी बोन्स जो होती है वो कैसी होती है? तो उनकी जो बोन्स जो होती है वो आपकी होती है न्यूमेटिक एंड लाइट होती है, ताकि जो है उनके ऊपर फ्लाइंग करने में उनको तकलीफ ना हो. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एनिमल गोज अंडर विंटर स्लीप ड्यू टू द लो टेम्परेचर इज कॉल्ड. हमें कोई भी ऐसे एनिमल, बहुत सारे एनिमल होते हैं जो जब भी वो विंटर आते हैं तो वो जो है हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं, यानी कि विंटर स्लीप में चले जाते हैं. उसे उस ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्राणियों को कहा जाता है एस्टिवेशन कहा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 क्वेश्चन कि द एनिमल एसोसिएटेड सीम्स इन सकर फिश अटैच्ड टू अ शार्क इज. आपने कई बार देखा होगा कि शार्क फिश के साथ जो है एक छोटी छोटी मछलियाँ भी उनके साथ ही रहती है, जो उनका जो है उन्हें सकर फिश कहा जाता है, जो क्या करते हैं उनके ऊपर से सारा कचरा जो होता है वो निकाल लेती है. तो उन फिश को क्या कहा जाता है? तो उन फिश को आपका उन फिश को क्या कहा जाता है? उन फिश को कहा जाता है कमेंसेलिज्म कहा जाता है. उन फिश को कहा जाता है कमेंसेलिज्म कहा जाता है. तो यहाँ पे गाइस जो है आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं. तो अगले क्वेश्चन, अगले सेशन में जो है पार्ट 9 में जो है 100 से लेकर जो आपके अगले 100 क्वेश्चन है एनिमल किंगडम के ऊपर इंपॉर्टेंट, वो उसकी हम यहाँ बात करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों. तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट नए वीडियो है बायोलॉजी के रिलेटेड या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के रिलेटेड वो हम आप तक प्रोवाइड कर सके. और आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको जो है कौन सा नया सब्जेक्ट के आपको जो है यहाँ पे एमसीक्यू चाहिए. तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.